पूर्व के ठाकुर विलेज में मिनी फायर ब्रिगेड का उद्घाटन शिवसेना द्वारा किया गया, जबकि इस केंद्र का उद्घाटन एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कर दिया गया था। और इसलिए जिसका प्रयास हमारा है, जिसके लिए हम लोग ने काम किया है, उसका श्रेय हमें मिलना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन अगर उन्होंने कुछ दो चार लेटर लिखे होंगे, एक आध दूसरी मीटिंग की होगी, तो हमको कुछ इसमें उसको नाम रखने का कुछ जरूरत नहीं। सब हम लोग साथ में मिलके भी इसका ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन महानगर पालिका में अपनी सत्ता है, हम लोग को कुछ भी पता नहीं करने का। जिसने इसके लिए प्रयास किया उसको नहीं बिना पूछ के ओपनिंग का कार्यक्रम लेना, मुझे लगता है लोगों के लिए वो अच्छा महापालिका का बर्ताव नहीं, यहाँ के लोक प्रतिनिधि का नहीं। तो इसलिए हम लोग आज अतुल जी और हमारे सारे कॉर्पोरेटर के साथ, प्रभाग समिति के अध्यक्ष के साथ यहाँ ओपनिंग किया। और सबसे खुशी की बात कि जो यहाँ की यंत्रणा फायर ब्रिगेड की थी, गाड़ी रही, बाकी सब सिस्टम्स यहाँ आज के ओपनिंग के टाइम मौजूद थी। मुझे दुख की बात है कि मुंबई के मेयर सर के महत्वपूर्ण पद के जो है, उन्होंने ये ओपनिंग नहीं होना चाहिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जानी चाहिए, इसी तरह का वहाँ आदेश देना, उसका फॉलोअप करना, वो लोगों के लिए समाज के हित का नहीं। लेकिन हम भी इनके साथ सत्ता में हैं, राज्य में देवेंद्र फडणवीस साहब जो श्रेय से ज़्यादा लोगों की सेवा को महत्व देते हैं, उन्होंने लोगों का सेवा का अवसर देख के आज यह सब यंत्रणा खड़ी की। आज चलो रात में कुछ हुआ और फायर ब्रिगेड तो हुआ है, लेकिन कुछ अगर इधर हादसा हुआ और गाड़ी नहीं रहेगी तो वो गलत हो सकता था। इसलिए प्रायोरिटी बेस पे यहाँ महानगर पालिका के माध्यम से हुआ इस फायर ब्रिगेड का, अतुल जी भातकलकर साहब के हाथों से यह हमने ओपनिंग किया। हमारी जो कार्यकर्ता निशा जी परुलेकर, लक्की यादव और उनकी सारी टीम ने जो हम लोग प्रयास किया उसके लिए ओपनिंग होना चाहिए, ऐसा उन्होंने लीड किया। और आज लोगों की उपस्थिति में ठाकुर विलेज की आज 50% लोग यहाँ उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में हम लोग ने आज ओपनिंग किया। पहली बात तो ऐसी है कि मतभेद का प्रत्यय आया, उसका प्रमुख कारण यह है कि जैसा प्रवीण दरेकर जी ने और राज्य सरकार के प्रयास के कारण ये फायर ब्रिगेड की जो मांग बरसों से थी, उस फायर ब्रिगेड का निर्माण आज यहाँ हुआ है। सही में तो बड़ा दिल करके यहाँ के स्थानिक विधायक के नाते प्रवीण दरेकर जी को यहाँ बुलाना चाहिए था, लेकिन एक राजनीतिक दल का कार्यक्रम करके हमको सब श्रेय जाता है दिखाने का एक घिनौना प्रयास किया, और उसके लिए उसके जवाब में आज यहाँ हमने उद्घाटन का काम किया है। और फायर ब्रिगेड का कार भी यहाँ आई है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रयास किया है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका उद्घाटन किया है। शिवसेना के नेतृत्व में आयोजित मिनी फायर ब्रिगेड केंद्र का उद्घाटन महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर ने किया। इस अवसर पर विधायक प्रकाश सुरवे, सिने कलाकार महेश कोठारी, विभाग प्रमुख विलास पोतनी, शाखा प्रमुख आसाराम कामली और फायर ब्रिगेड के अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर महापौर ने कहा, विधायक प्रकाश सुरवे ने अपने उद्गार व्यक्त किए। नगर सेविका माधुरी योगेश भोईन ने भी अपनी उपस्थित लोगों को संबोधित किया। दर्शकों तो यह बखूबी ज्ञात होगा कि भाजपा शिवसेना में इन दिनों काफी टकराव चल रही है। दोनों पार्टियों में मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम करने की होड़ लगी है, लेकिन लोग अब काफी समझदार हो गए हैं। उनका वोट किन्हें मिलता है यह कोई नहीं जानता। मुंबई महानगर पालिकेच्या अध्यक्षपदी मुंबई महापालिकेच्याकडून केलं जात आहे, मुंबईचा महापौर म्हणून या ठिकाणी त्याचं उद्घाटन केलं आहे। कोणता राजकीय पक्ष एखादी संस्था रस्त्यावर जाऊन एखादं काही करत असेल त्याला अधिकृत उद्घाटन होत नाही। आज या ठिकाणी त्याचा लोकार्पण सोहळा या भागातील जनतेसाठी स्थानिक नगरसेविका माधुरी होईल त्यांच्या प्रयत्नाने त्या ठिकाणी ते लघु क्षय लेने की बात होती थी, आज महापालिका के सब अधिकारी यहाँ नहीं होते थे, आज अग्निशमन के सब अधिकारी नहीं होते थे। उनको पता है किसने मेहनत किया है और ये काम कर रहे हैं, उनको पता है वो आ रहा है। अब महापौर प्रयास
प्रयास किया था, उनको घोड़ी प्रयास किया था, नई टीचर मिली थी, इसके बाद अधिकृत हमारा, इसलिए आज अधिकृत हो गया। जिस वजह से आज हमारी बात हुई, उन्होंने कहा था कि शिवसेना का एक कार्यक्रम महापौर है शिवसेना के, तो अभी कार्यकर्ता ने शिवसेना तो उसमें क्या गलत है। कैमरा पर्सन सन्नी सिंह के साथ गीता यादव, मेट्रो मुंबई।